सो हाय गाइस, मैसेल गोपाल, यू कॉल्ड मी गोप्स। सो आज है हमारे साथ वन ऑफ माय फ्रेंड। सो हाय, व्हाट्स योर नेम मैम? वायरल। वायरल, ओके। कावासाकी निंजा 650 है। तो आपने लाइक कब परचेस की थी ये? आई बॉट इट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, ओके। एंड कितना टाइम? डेढ़ साल हो गया। एंड लाइक कितने में ली थी आपने ये? आई टुक इट सेकंड हैंड, 5 लाख। 5 लाख में ली थी। एंड लाइक आपको कुछ जैसे चलाते हो, so maintenance cost and all? No, I was out for 9 months. आके खाली बैटरी चार्ज करनी पड़ी, बाकी सब सही है। और like इस mileage कितनी आती है ये? इसमें दिखाते हैं 26 की, और 26 के देता है। अभी भी मतलब सूरत पहुंच गई थी 1000 के पेट्रोल में बस। Oh wow, 26 के। Like I don't have that much of weight and all. हाँ। So even for the average it matters. So इसके अंदर like आपने top speed कितनी पहुंचाई है? 215. 215 पे टॉप। एक बार 210 और एक बार 215 ऑन हाईवे ओनली। हियर ओनली, यहां पे ही। ओके, यानी गुजरात के हाईवे के ऊपर ही पहुंचा दीजिए। गुजरात के हाईवे पे ही पॉसिबल है, बाकी सब जगह ना, दे डोंट नो हाउ टू राइड एंड ड्राइव। ओके, यानी गुजरात का हाईवे कुछ ज्यादा ही फ्री रहता है ऐसा? एक्चुअली गुजरात हाईवे इज अ मोर कंफर्टेबल देन अदर हाईवेज। या सो आप डिपेंड करता है कौन से एरिया में जाओ। So, इसके कुछ आप गुड पॉइंट बता सकते हो ये व्हीकल लेने के लाइक? सी, आई वेंट टू बाय दिस बाइक विद द स्लीपर्स, लाइक वेयरिंग स्लीपर्स, एंड आई वाज पैरालाइज्ड फॉर 2.5 इयर्स। सो दिस बाइक इज वेरी कंफर्टेबल, मेंटेन हो जाता है, इवन इफ आई गो ब्लैंक या ब्लैकआउट, भरोसा है। स्पीड भी करना हो तो जस्ट टिक, नॉर्मल के अंदर ही फट लेगा स्पीड आ जाती है। हां, मतलब ऐसे नहीं करने की जरूरत, टिक करने की जरूरत है खाली, टिक और फिर खाली डग। एंड इसके कुछ बैड पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे? बैड पॉइंट्स ये वो सर्विस स्टेशन बेकार है। ओके, हां, कावासाकी का यहां पे बहुत बेकार है। तो आप कहां पे करवाते हो जैसे सर्विस बाइक को फिर? आई यूज्ड टू टेक इट एट आरसी कस्टम्स और फिर अभी जुनैद भाई मिर्जापुर। ओके, ही इज द बेस्ट फॉर सुपर बाइक्स। बाकी लोगों ने भी बहुत इसमें कुछ ना कुछ किया हुआ है, बट दे आर नॉट प्रॉपर गैरेज पीपल। नहीं, पर जुनैद भाई सही है। आपने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कराए हुए? नहीं, जो नॉर्मल बाइक थी वही है। मेरा साइलेंसर वगैरह भी सारा कुछ वही जो आया है वही है, बस खाली मैंने एक्स्ट्रा लाइट जलवाई थी। हाँ? और मैंने एक्स्ट्रा ये लाइट भी चेंज करवा दी, आई नीड विजिबिलिटी क्लियर। या वो तो चाहिए, राइडिंग अगर आप बाइक करते हो तो आपको विजिबिलिटी तो चाहिए होती है। तो जैसे ये फॉग लैंप का रीजन वही था आपके एक्स्ट्रा लाइट्स के विजिबिलिटी? बिकॉज़ आई स्टे आउट ऑफ अहमदाबाद, सो बेसिकली इवन फॉर रूटीन आई हैव टू ट्रैवल ऑन हाईवे। हाईवे हो या जंगल हो, मतलब बहुत होता है। इट्स गुड इफ यू कीप लाइट्स, बट फिर फुल लाइट नहीं, डिम लाइट में चलाओ जो सामने वाले को दिखे। अगर वो भी फुल लाइट में आ रहे तो फुल लाइट में चलाओ बस। बाकी सही है, दिस लाइक द बेस्ट बाइक आई वुड से। I am having 42 kgs. 42 kg you have a weight? Even if I go to 35, ये भरोसे लायक है। मैं ये सिटी में भी लेके घूमती हूँ, गोवा भी गई थी लास्ट ईयर, टूटा फूटा बाइक भी लेके आ गई थी, बट अभी तक जिंदा हूँ। I took it as, अगर गई तो अच्छी स्पीड में जाएगी 650 cc, बट आज तक ऐसी नौबत नहीं आई प्रॉपर ब्रेकिंग एंड एवरीथिंग। हाँ, बट यू हैव टू मेंटेन योर बाइक अकॉर्डिंगली, बस वही है वो रहता है। फिर कंजूसी मत करो, बाइक ले रहे हो एक तो प्रॉपर हेलमेट वगैरह भी ले लो, इसका भी अगर आप ध्यान रख रहे हो तो आपका ध्यान रखेगी, नहीं तो फिर एंड टाइम पे ब्रेक नहीं लगेगी तो फिर क्या करोगे? एग्जैक्टली, दिस इज वेरी कम्फर्टेबल बाइक और लाइक माय साइज और मेरी औकात के जो भी हो, दिस इज भरोसेमंद। मैंने इसको भी लाइक अभी चलाया तो नॉर्मली लाइट वेट, इतनी हेवी भी नहीं है आपके। मेरे लिए तो हेवी होगा ना, इट्स लाइक 300 kg। हां हां, तो मेरे लिए तो हेवी रहेगा लेकिन अच्छा लाइट वगैरह है इसका। हां, और गिरती है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ मैंने फिर ये लेग गार्ड डलवा दिए। कौन से? ओके, यानी आप नॉर्मली छोटे वाले लगा सकते हैं ना, तो गिरती है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हां, तो मैंने जब डलवाया उसके दूसरे दिन आई वेंट टू उदयपुर। हां, इवन व्हाइल गोइंग टू उदयपुर आई गॉट सीजर अटैक चालू बाइक में, तो भी कुछ नहीं। हाँ, उधर जाके जैसे ही मैं लेफ्ट टर्न मारा गिरी हूँ, वहां से जैसे हम लोग निकल रहे थे वही के वही राइट साइड में गिरी हूँ, बट स्टिल कुछ स्क्रैच वगैरह कुछ ज्यादा नहीं है। सो कंपैरेटिवली जो पूरा डालते हैं लेग गार्ड का, नो नीडेड,
ये कंफर्टेबल है। यानी आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस लगा लाइक बाइक भी गिर जाती है तो इसमें ज्यादा कुछ टूटता नहीं है जल्दी? ना टूटता है ना, ये मेरे सामने वाले ने तोड़ा था 6000 डिस्काउंट के साथ मिला, बट द थिंग इज निंजा वालों का ये कावासाकी वालों का दिक्कत ये है कि दे डोंट डू इट प्रॉपर्ली। ओके, अभी भी यही सीन है कि मैं 100 के ऊपर जाती हूँ तो शिफ्ट हो जाता है, तो आई कांट जज के पीछे से कौन आ रहा है। ओके, ये शिफ्ट हो जाता है आपका थोड़ा, दे डोंट डू इट प्रॉपर्ली, बस वही है। सर्विस में थोड़ा बहुत इशू है आपको? हाँ, सर्विस एंड ऑल दिस गैजेट्स व्हाट वी बाय फ्रॉम द कंपनी थोड़ा दिक्कत रहता है बस, एंड दे डोंट रिप्लाई बैक प्रॉपर्ली, सो आई हैड टू गेट इट फ्रॉम आउटसाइड। ओके, लाइक फ्रॉम सूरत यहाँ पे तो मिला भी नहीं है। बस इफ यू बाइंग कावासाकी गो फॉर इट, बट डोंट गो टू सर्विस स्टेशन। यस, ओके, दैट्स द थिंग यू जस्ट गॉट। एग्जैक्टली, आई से ब्लंटली डोंट गो टू सर्विस स्टेशन, बट यू कैन बाय एनी डैम बाइक, प्रॉपर सर्विसिंग कराओ, प्रॉपर कुछ भी करो, मस्त है। बाकी अभी मेरे मनाली में भी है निंजा 650, मैं थोड़े दिन पहले वहाँ पे गई, भाई देना, मैं मिस कर रही बाइक, तो बोली मेंटेनेंस में है, नाउ दे आर नॉट गेटिंग स्पेयर पार्ट्स, ओह देयर आल्सो दे आर नॉट गेटिंग स्पेयर पार्ट्स, बट फ्रॉम सूरत वी गेट स्पेयर पार्ट्स। या देयर आर 2-3 स्टोर्स जो हमें सर्विस मतलब स्पेयर पार्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर लेते हैं, तो नो वरीज। और ये ट्राइम वगैरह की स्पीड पे ही जाती है, हाली के स्पीड पे भी भागती है, खाली जूम करना होता है उनको, तो जूम करना होता है। ओके, तो एक बार हम लोग इसको देख लेंगे, इसके साउंड किस टाइप की है वो भी, है ना? ना साउंड इसमें वही नॉर्मली है, जो मेन वाला आता है इनबिल्ट, वही मैंने रखा हुआ है, आई हैवंट चेंज्ड साइलेंसर। ओके, आई हैवंट मॉडिफाइड एनीथिंग, बस लाइट्स एंड ये लेग गार्ड, दैट्स इट। लाइक वो होता है ना, लाइक जो सब्सक्राइबर उनको अगर गाड़ी लेनी है तो वो सोचेंगे इसकी साउंड कैसी है। नहीं, वो छपरी वेड़े हो जाते हैं, जूम जूम जूम, मैं नहीं करते, अब नहीं करते इसमें, आई डोंट डू ऑल दिस, ना फॉर दैट आई हैव गॉट अदर बाइक्स, फट 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 ना बूम बूम बूम, आई डोंट डू ऑन दिस, बिकॉज ये ऐसी है कि फिर इसका मेंटेनेंस तो चलो सस्ता ही है, महंगा है, स्पेयर पार्ट नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, और मेरा तो वैसे भी 9 महीने बाइक पड़ा रहा था, तो बस खाली बैटरी का चार्जिंग उतर गया, बाकी रेडी बाइक, 9 महीने पड़ा रहा, भी आपने चलाया तो चालू हो गई। खाली बैटरी मैंने चार्ज की, वो भी मैंने ट्रैक्टर की बैटरी से जम्प दे दिया, तुरंत चार्ज बैटरी, इट्स लाइक वेल मेंटेन, बट इफ यू आर डूइंग जूम 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 फिर वो छपरी वेड़े हो गए ना, आई हेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वो बुलेट वाले और हमारे में फर्क क्या रहा। हाँ, इनबिल्ट आते हैं वो करे तो सही है, बट नॉट बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग डैमेजेस इंजन आल्सो। या मेरा तो पड़ा रहा हुआ है तो मैं तो बिल्कुल नहीं करती, और जब फर्स्ट गियर से ऊपर करते तब थोड़ा करना पड़ता है, हाँ बिकॉज जब चालू करते हैं तब ज्यादा ही वो होता है पावर, तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर थोड़ा फेस करना पड़ता है, बाकी इट्स ओके, नो नीड। सो गाइस, दिस इज कंप्लीट रिव्यू ऑफ द निंजा 650 आर। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का।